गोवर्धन डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले भाइयों को सभी को संदीप स्वामी की तरफ से राम राम, नमस्कार। स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत से भाइयों की डिमांड थी कि हमें एक थार पारकर गायें दिखाएं, तो आज उन्हीं भाइयों की डिमांड पर दोस्तों एक थार पारकर, शुद्ध थार पारकर देसी ब्रीड के अंदर गायें की वीडियो लेकर आए हैं। बिल्कुल ताज़ा गायें ब्याई हुई है, देख सकते हैं। नन्ना काप देख सकते हैं, इसके पीछे जो काप है वह भी फीमेल काप यानी कि बछड़ी है दोस्तों। मात्र एक दिन की गायें ब्याई हुई है, यानी कि 23 जुलाई को इसने एक सुंदर फीमेल काप बछड़ी को जन्म दिया है दोस्तों। आज 24 जुलाई को इस गायें की वीडियो अपलोड होगी। तो भाई साहब ने जो गायें की डिटेल बताई है वो आप भाइयों को शेयर कर देता हूँ। यानी कि सेकेंड लैक्टेशन दूसरे ब्यांत के अंदर मात्र एक दिन की गायें ब्याई हुई है, और फर्स्ट ब्यांत के अंदर इस गाय ने 15 लीटर दोस्तों दूध निकालने वाला, यानी कि बच्चे के अलावा 15 लीटर भाई साहब बता रहे हैं कि दूध हम निकालते रहे हैं, और बाकी 1.5 लीटर बच्चे के लिए भी छोड़ते थे। तो यानी कि निकालने वाला जो इसका दूध है, एक टाइम का 7.5 लीटर फर्स्ट टाइम में दूध दिया है। अब की बार सेकेंड लैक्टेशन के अंदर भाई साहब ने बताया है कि 16-17 लीटर दूध निकालने वाला इसका होगा, और बाकी गाय के ब्रीड करेक्टर, हाइट, लेंथ, पीठ पूठा देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। हंप का साइज देखें दोस्तों, अगले पैरों के ऊपर स्टीक 90 डिग्री एंगल के ऊपर, यानी कि शिवलिंग नुमा आकार का हंप है। और ये फीमेल का बछड़ी दोस्तों देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत बछड़ी है, मात्र एक दिन की गायें ब्याई हुई है। बारीक गलकंबल देख सकते हैं, फ्लेट माता देख सकते हैं, नाभी देख सकते हैं दोस्तों। जो अडर क्वालिटी है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, चारों थड़ों के बीच में गेप भी देख सकते हैं, गुलाबी आंचल है। गायें को आपको खोल कर चला कर दिखा रहे हैं, अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर की गायें हैं। तो भाई साहब का जो एड्रेस है वो आप भाइयों को शेयर कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर है, यानी कि जिला है राजस्थान का जो श्री गंगानगर है, और तहसील है जो रावला मंडी, यानी कि इनका निवास स्थान है जो रावला मंडी है। श्री गंगानगर जिले से 180 किलोमीटर दूर रावला मंडी है दोस्तों, और बीकानेर से 118 किलोमीटर दूर इनका गांव है। और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, तो भाई साहब का जो नाम है सुधीर बिश्नोई भाई साहब का नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों 97-827-13-570। यह नंबर व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मेंशन किए जाएंगे। तो गुदारा डेयरी फार्म के नाम से दोस्तों इनका डेयरी फार्म है, रजिस्टर्ड डेयरी फार्म है, दूध का व्यवसाय भाई साहब करते हैं। और जो थारपारकर ब्रीड की गायें सेल के लिए अवेलेबल दिखा रहे हैं, तो इस गाय का जो प्राइस है दोस्तों 65,000 यानी कि 65,000 रुपये भाई साहब ने इसका प्राइस दोस्तों डिमांड किया है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भाई साहब ने बताया है कि मैं करवा दूंगा, यानी कि ऑल इंडिया के लिए ट्रांसपोर्ट इनके पास अवेलेबल है। कोई भी भाई इनके पास विजिट कर इस गाय को अच्छी तरह देख पर कर खरीद कर लेके जा सकते हैं। जो भाई ऑनलाइन परचेज करे तो वह व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से गाय को देख सकते हैं, और मिल्किंग भी चेक कर सकते हैं, यानी कि थनों की अच्छी तरह जाँच कर सकते हैं। तो गाय के ब्रीड करेक्टर दोस्तों बहुत ही शानदार है, जो भाई ब्रीडिंग पर काम करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी शानदार गायें रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी ब्रीड करेक्टर है गाय के वो बहुत ही शानदार है। गर्मियों के सीजन के अंदर थारपारकर गायें दोस्तों मोस्ट डिमांडेड बन जाती है, क्योंकि इन गायों के अंदर जो गर्मी की सहन शक्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और कम खाकर ज़्यादा दूध देने वाली ये गायें थारपारकर नस्ल की गायें, यानी कि राजस्थान की शान और सफ़ेद सुंदरी इस गाय को बोला जाता है दोस्तों। देख सकते हैं काफ़ी शानदार गायें हैं। तो आज की वीडियो में भाई साहब ने ये गायें सेल के लिए अवेलेबल करवाई है, पूरी डिटेल आप भाइयों को शेयर की गई है। सेकंड लैक्टेशन के अंदर यानी कि दूसरे ब्यांत के अंदर मात्र एक दिन की ब्याई हुई है, और 16-17 लीटर इस गाय की दूध क्षमता रहने वाली है। काफ़ी शानदार ब्रीड करेक्टर के अंदर गायें हैं दोस्तों। पीछे भी सुंदर एक फीमेल का बछड़ी है। एड्रेस मैं फिर से बता देता हूं, जिला श्री गंगानगर है, और जो तहसील है रावला मंडी है, जो इनका निवास स्थान है जो रावला मंडी है। भाई साहब के स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सभी भाइयों को जय गो माता, जय गोपाल।